Assalamu alaikum students, I hope you all are doing fine. Today's topic of discussion is cell organelles, जिसमें मेन हम लोग सब हेडिंग डिस्कस करेंगे न्यूक्लियस. पहले हम डिफाइन करते हैं ऑर्गेनल्स होती क्या हैं. ऑर्गेनल्स स्मॉल स्ट्रक्चर्स हैं जो कि प्रेजेंट होते हैं विद इन द सेल और वहाँ पे वो अपना स्पेसिफिक डेडिकेटेड फंक्शन परफॉर्म करते हैं. जब हम बात करते हैं यूकैरियोटिक सेल्स में तो उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं. आज हम लोग डिस्कस करेंगे न्यूक्लियस को. अगर हम यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल्स को कंपेयर करें तो यूकैरियोटिक सेल्स में एक प्रोमिनेंट न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है एज़ कम्पेयर टू प्रोकैरियोटिक सेल्स, उनमें प्रोमिनेंट न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता. नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं लोकेशन ऑफ न्यूक्लियस. तो जब हम बात करते हैं एनिमल सेल्स की तो ये प्रेजेंट होता है इन द सेंटर ऑफ द सेल, और मेच्योर प्लांट सेल्स में एक लार्ज सेंट्रल वैक्यूल की फॉर्मेशन की वजह से इसको वो वैक्यूल पुश कर देता है टू द साइड. देखिए जैसे कि ये दोनों पिक्चर्स आपको दिखाई गई हैं, एनिमल सेल प्लांट सेल में वैक्यूल फॉर्मेशन की वजह से न्यूक्लियस इज पुश टू द साइड, और एनिमल सेल में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है इन द सेंटर ऑफ द सेल. नेक्स्ट आपके साथ हम डिस्कस करेंगे, आपको बताया गया है एक और फीचर न्यूक्लियस का कि ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है. उसको हम जानते हैं एज अ न्यूक्लियर इन्वेलप, यानी कि डबल मेम्ब्रेन को न्यूक्लियर इन्वेलप के तौर पर जाना जाता है, उसको न्यूक्लियर इन्वेलप कहा जाता है. न्यूक्लियर इन्वेलप में फर्दर स्मॉल पोर्स प्रेजेंट होते हैं जो उसको हेल्प करते हैं एक्ट करने के लिए एज अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. नेक्स्ट हेडिंग इज न्यूक्लियोप्लाज्म. इनसाइड द न्यूक्लियर इन्वेलप एक ग्रैनुलर फ्लूइड प्रेजेंट होता है, एक ऐसा यानी कि लिक्विड जिसमें ग्रैन्यूल लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, उसको हम कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म. अब न्यूक्लियोप्लाज्म में एक या एक से ज़्यादा न्यूक्लियोलाय प्रेजेंट होते हैं. न्यूक्लियोलाय प्लूरल फॉर्म है जिसका सिंगुलर होता है न्यूक्लियोलस, और उसके अलावा उसमें कुछ क्रोमोसोम्स भी प्रेजेंट होते हैं. ओके जैसे कि ये देखें डायग्राम यहाँ पे आपके साथ शेयर की गई है. यहाँ पे आपको शो किया गया है न्यूक्लियर इन्वेलप, न्यूक्लियोलस, ठीक है. फर्दर हम अभी स्टडी करेंगे क्रोमोसोम्स, क्रोमेटिन. ये आपके पास है न्यूक्लियर इन्वेलप, और ये जो हमने अभी पोर्स की बात की थी न्यूक्लियर पोर्स, जो इसको हेल्प करते हैं एज अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन एक्ट करने के लिए. फिर आपके पास आ गया न्यूक्लियर प्लाज्म, हम लोगों ने अभी डिस्कस किया है. इसमें प्रेजेंट होता है न्यूक्लियोलस एंड क्रोमेटिन मटीरियल जो फर्दर चेंज कर जाता है इंटू क्रोमोसोम्स. ओके सेकेंड पैराग्राफ में बेटा हेडिंग है आपके पास न्यूक्लियोलस. न्यूक्लियोलस एक डार्क स्पॉट है जो कि मेन साइट प्रोवाइड करता है राइबोसोमल आरएनए की फॉर्मेशन के लिए, और यहाँ पे ही ये राइबोसोमल आरएनए असेंबल होकर बनाता है राइबोसोम्स. नेक्स्ट हेडिंग इज क्रोमोसोम्स. क्रोमोसोम्स की अगर हम बात करें तो ये विजिबल होते हैं ओनली ड्यूरिंग द सेल डिवीजन, यानी कि जब सेल डिवाइड हो रहा होता है. और अगर उसके साथ कंपेयर किया जाए तो ड्यूरिंग इंटरफेज जो कि नॉन डिवाइडिंग फेज है ऑफ द सेल, वो वहाँ पे आपको मिलते हैं क्रोमेटिन फॉर्म में. थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको कहा जाता है क्रोमेटिन. ठीक है नेक्स्ट आपको बताया गया है क्रोमोसोम्स की कंपोजिशन के बारे में. क्रोमोसोम्स की कंपोजिशन में मेन आपके पास आते हैं डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन्स. लास्ट हेडिंग इज न्यूक्लियस ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल्स. वो हम लोगों ने स्टार्टिंग में ही डिस्कस किया था, प्रोकैरियोटिक सेल्स में प्रोमिनेंट न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता, और इनका क्रोमोसोम बना होता है सिर्फ डीएनए से जो कि डायरेक्टली सबमर्ज्ड होता है इनटू साइटोप्लाज्म. यूकैरियोटिक सेल्स में क्रोमोसोम्स बने होते हैं डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड और डीएनए, यानी कि डीएनए और प्रोटीन से, और प्रोकैरियोटिक के क्रोमोसोम्स बने होते हैं ओनली डीएनए से, और वो डायरेक्टली कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं इन द साइटोप्लाज्म, जैसा कि ये डायग्राम में आपको शो किया गया है. क्रोमेटिन मटीरियल जो कि चेंज कर जाएगा इनटू क्रोमोसोम्स. नेक्स्ट उसके साथ बेटा आप कवर करेंगे ब्लू बेल्ट के नोट्स में से शॉर्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, 32 एंड क्वेश्चन नंबर 33, 34 एंड 35. ठीक है, यही 5 क्वेश्चंस आप लोगों ने अच्छे तरीके से कवर करने हैं. उसके अलावा बेटा जो आज हम लोगों ने न्यूक्लियस वाला टॉपिक कवर किया है वो न्यूक्लियस की डायग्राम आप अपनी नोटबुक में ड्रॉ करेंगे, और नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपका वो होमवर्क चेक करूँगी. ओके क्लास, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़.